हाय एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कुछ ऐसी जरूरी बातें और कुछ ऐसी जरूरी चीजें जो कि आपको ये विंटर्स में बहुत ज्यादा काम में आने वाली है। तो ये होने वाला है हमारा विंटर एसेंशियल्स में ही। ये मैं विंटर एसेंशियल ही बोलूंगी क्योंकि ये इसकी ज्यादा जरूरत हमको ठंडियों में ही पड़ती है। सबसे पहले गाइस थैंक यू सो मच कि आप मेरे चैनल पे आते हो, उसे देखते हो, उसके लिए दिल से शुक्रिया। आज के वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि गर्म पानी के क्या क्या फायदे होते हैं और गर्म पानी के साथ साथ मैं आपको बताऊंगी कि आप अपने गर्म पानी को बहुत देर तक अगर गर्म रखना चाहते हो तो आप ऐसा कौन सा प्रोडक्ट यूज करें जिससे आपका गर्म पानी जो है वो 24 आवर्स के ऊपर तक गर्म रहेगा और आपको बार बार गर्म करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले गाइस गर्म पानी करने में ही बहुत जान पे आता है। सबसे पहली बात तो ठंडी बहुत लगती रहती है और ऐसा लगता है उफ गर्म पानी फिर से कौन करके लाएगा, बार बार कौन कप माइक्रोवेव में रखेगा, बार बार कौन वो केटली में पानी गर्म करेगा और लेगा। आप केटली में अगर वो जो केटल आती है उसमें अगर आप पानी गर्म भी करते हो वो एक मिनट के अंदर नो डाउट गर्म हो जाता है, लेकिन उसमें जो पानी है वो ज्यादातर गर्म नहीं रहता है क्योंकि वो कोई थर्मस नहीं है या वैक्यूम फ्लास्क नहीं है। तो उसमें जो पानी है वो थोड़े टाइम बाद ठंडा हो ही जाता है तो आपको फिर से गर्म करना पड़ता है। तो वो बार बार आप गर्म करोगे तो आपको इलेक्ट्रिसिटी तो खर्च होगी। तो क्यों मैंने सोचा कि मैं आपको एक ऐसा प्रोडक्ट दिखाऊं जिससे आपकी इलेक्ट्रिसिटी की काफी बचत होगी और आप बार बार गर्म करने से बच जाओगे। एक बार गर्म करके बस उसमें रख दीजिए एंड दैट्स इट, आपका पानी जो है वो पूरा दिन रात तक गर्म रहेगा। तो गाइस ऐसे कौन से प्रोडक्ट के बारे में बात कर रही हूँ, मैं बात कर रही हूँ आज इस प्रोडक्ट के बारे में जो की आइकिया का वैक्यूम फ्लास्क। अब ये जो है इसे आप थर्मस कह लो या वैक्यूम फ्लास्क कह लो, ये आइकिया में आपको इजिली मिल जाएगा। ये दो कलर में आता है बट ये जो कलर है यहाँ पर जहां मैं रह रही हूँ वहां पे यही कलर अवेलेबल था विच इज अ ब्यूटिफुल मिंट कलर और मिंट एक्वा कलर। और ये वाला जो जग है ये मैंने अपने आइकिया हॉल वीडियो में भी आपको दिखाया था और ये जग में अच्छा खासा 1 लीटर पानी आ जाता है। और सबसे खास बात मुझे इसकी ये लगी कि ये बहुत हैवी नहीं है, जैसे आपको इसका साइज दिख रहा है आपको लग रहा होगा कि बहुत भारी है, देखिए मैं इसको आराम से एक हाथ से पकड़ सकती हूँ। और सबसे अच्छी बात इसकी अवेलेबिलिटी है, ये आपको आइकिया में आराम से मिल जाएगा। आप आइकिया में जैसे ही जाओगे तो आपको ये मिल जाएगा और इसका प्राइस पॉइंट आप सुनोगे तो आप कहोगे ओह ऐसे तो मैं 10-15 ले लूं। इसका जो प्राइस है इंडिया में वो है 299 रुपीज और यहाँ पे ताइवान में इट इज फॉर 199 NTD। नाउ इन इंडिया माई मदर हैज बीन यूजिंग दिस और उन्होंने मुझे रिकमेंड किया कि ये वाला आप ले लो और इसमें जो पानी है वो पूरा दिन और रात तक गर्म रहता है। इनफैक्ट अगर आप इसमें रात में अगर 11 o'clock फिल अप करके रख देते हैं पानी, लाइक रात को अगर आपने गर्म करके इसको फिल कर दिया और सुबह आपको आदत है गर्म पानी पीने की तो आपको गर्म करने की जरूरत नहीं है, बस इसको ऐसे ओपन करो और निकालो एंड दैट्स इट, आपका पानी नेक्स्ट डे के शाम तक गर्म रहेगा। आई कैन इंश्योर एंड गिव यू द गारंटी कि ये पानी इसका जो है अगर आप रात को 11 o'clock फिल अप करोगे तो नेक्स्ट डे शाम के 6-7 बजे तक गर्म रहेगा, उसके बाद ये कुनकुना हो जाएगा। सो दिस इज दैट इफेक्टिव एंड आई हैव टेस्टेड इट एज वेल। अब बात करते हैं इसकी फीचर्स की। नाउ इट हैज अ ग्रेट थर्मल रिजर्वेंस एंड अ गुड लुक्स और ये टोटल 30 cm हाई है। इसका आउटर सरफेस आप देख रहे हो ये है पॉलीप्रोपिलाइन और जो कि एक हाइजीनिक मटेरियल भी कहा जाता है, यूज किया जाता है हाइजीनिकली। इसका जो फ्रंट जो आप नोजल देख रहे हो ये काफी स्मूथ ऐसे कर्व दिख रहा है आपको, तो ये ड्रॉपलेट लाइक ड्रॉपलेट टाइप दिखता है ये। और इसका जो ये वाला शेप है ना बहुत ईजी हो जाता है पानी निकालने में, देखिए यहाँ से आप बस पानी निकाल सकते हो। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आपको इसका जो ढक्कन है ये बार बार पूरा खोलने की जरूरत नहीं है, आप इसको बस इस तरीके से हल्का सा ओपन करोगे और पानी निकल जाएगा एंड देन आपको इसको क्लोज कर देना, तो बार बार ये पूरा खोलना नहीं है और बस ये आप बार बार अगर खोल बंद नहीं करोगे तो आपका पानी ऑटोमेटिकली हॉट रहेगा क्योंकि अगर आप बार बार इसको ओपन करके बंद करते हो तो पानी का टेम्परेचर गिरने की पूरी चांसेस हो जाती है। बट इस केस में कैसा है आपको बस इसको टाइट कर देना है पानी भरने के बाद एंड इसको हल्का सा ओपन करोगे एंड पानी निकल जाएगा। और आप ये जो हैंडल देख रहे हो दिस इज सो गुड, होल्ड करने में बहुत इजी है, बच्चा हो या बड़ा हो या बूढ़ा हो कोई भी इसको आराम से होल्ड कर सकता है। ये सब हैंड साइजेस के लिए अच्छे हैं तो आप इसको इजीली पकड़ सकते हो। और अगर आपके घर में छोटे छोटे बच्चे हैं और आपको लग रहा है कि उनके ऊपर पानी गिर ना जाए जो कि डर लगता है केटल में गर्म करने के बाद, तो उस केस में ये बहुत अच्छा है क्योंकि ये ऐसे गिरने के बाद या ऐसे कुछ भी करने के बाद भी इसमें से पानी बिल्कुल नहीं निकलेगा क्योंकि इसका ये जो टॉप है बहुत अच्छे से टाइट हो जाता है। तो इस
की केस में बहुत अच्छा है। इस फ्लास्क का जो टोटल वेट वो है 649 ग्राम्स, जो कि अच्छा खासा है और दिखने में हैवी लग रहा है, बट ये बिल्कुल भी हैवी नहीं है जैसे कि मैंने आपको बताया। तो ये अंदर का जो मटेरियल है वो ग्लास का है। आप जब इसमें पानी पोर करते हो तो इसमें आपको छन छन वाली एक आवाज आ जाएगी। तो ये अंदर का जो है वो ग्लास है और अंदर का भी मटेरियल बहुत हाई क्वालिटी का यूज किया गया है, सो दैट आपका पानी जो है अच्छा खासा गर्म रहेगा। आप इससे 5 से 6 रेगुलर टी कप बना सकते हो, लाइक चाय बना सकते हो, ग्रीन टी, कॉफी, ब्लैक कॉफी, जो भी आपको बनाना है आप इससे बना सकते हो। इसमें आपको दूध नहीं डालना है, आपको कोई भी खाने का चीज, सूप वूप ये सब नहीं डालना है। ओनली ये हॉट वाटर या कोल्ड वाटर के लिए। अगर आप इसमें ठंडा पानी रखोगे तो ठंडा रहेगा, अगर आप इसमें गर्म पानी रखोगे तो गर्म रहेगा। सो दिस इज नॉट मेड फॉर योर मिल्क। अगर आप सोच रहे हो मैं मिल्क इसमें भर के रख दूं तो गर्म रहेगा, तो ये उसके लिए बिल्कुल भी नहीं है। अंदर का जो मिल्क है वो खराब होने के पूरे चांसेस है इसमें, तो बी अवेयर ऑफ दैट कि इसमें सिर्फ पानी रखना है। तो ये है पूरा एक अच्छा सा फ्लास्क, वैक्यूम फ्लास्क, और मैंने बहुत सारे मार्केट में यूज़ किए, अब तक मैंने बहुत यूज़ किए हैं। लेकिन सच बोलूँ इसे में भी पानी 5 से 6 घंटे के ऊपर नहीं रहता, ठंडा हो ही जाता है, बट यही एक ऐसा फ्लास्क मुझे अब तक मिला है जिसमें पानी जो है वो 12 घंटे 14 घंटे से ऊपर गर्म रहा है, एकदम तेज़ गर्म रहा है, और उसके बाद थोड़ा थोड़ा उसका टेम्परेचर गिरना स्टार्ट हो जाता है 3 आवर्स में। डेफिनेटली आई रिकमेंड ईच एंड एवरी वन टू बाई दिस फ्लास्क इफ़ यू वॉन्ट टू सेव इलेक्ट्रिसिटी एंड इफ़ यू वॉन्ट टू सेव योर टाइम। तो डेफिनेटली दिस इज द थिंग विच यू शुड हैव इन योर लाइफ। गाइज ये था रिव्यू इस आइकिया के वैक्यूम फ्लास्क का। अब आपको गर्म पानी क्यों पीना चाहिए वो मैं आपको कुछ फटाफट बेनिफिट्स बता देती हूँ। अगर आप ठंडी की सीजन में गर्म पानी रेगुलर बेसिस पे पीते हो तो आपको सर्दी या सोर थ्रोट या फिर खांसी इन सब से आप दूर रहोगे, ये सब आपको इफेक्ट जल्दी नहीं करेगी। इफ़ यू हैव टॉन्सिल्स इशू तब आप गर्म पानी पी सकते हो या फिर उसको अवॉइड करने के लिए गर्म पानी पी सकते हो। ठंडी के दिन में अगर आप गर्म पानी पी के सोते हो तो आपका बॉडी का जो टेम्परेचर है वो गिरता नहीं है, आपका बॉडी का टेम्परेचर वार्म रहता है और उससे आपको अच्छी नींद भी आ सकती है। तो बार बार जो आपको वॉशरूम जाने का रात को जो नीड लगता है कि बार बार मैं वॉशरूम जाऊं, तो वो थोड़ा अवॉइड हो जाएगा। सो यू कैन हैव अ कप ऑफ हॉट वाटर सिप सिप करके पी लीजिए एंड दैट्स इट। उसके अलावा दिस विल हेल्प टू क्योर योर डाइजेशन। अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का इशू है तो गर्म पानी बहुत इफेक्टिव होता है, तो यू कैन हैव फॉर दैट ऑल्सो। और उसके अलावा मॉर्निंग में अगर आप गर्म पानी पीते हो तो जितने भी आपके टॉक्सिन्स है और बॉडी के फैट है वो पिघलते हैं। एंड आफ्टर फूड ऑल्सो, खाना खाने के हाफ एन आवर के बाद भी आप गर्म पानी एक कप सिप सिप करके पियोगे तो आपको वेट लॉस और फैट लॉस में मदद मिलता है, क्योंकि जो गर्म पानी है वो फैट को पिघलाता है और जो ठंडा पानी है वो तो आपके खून को जमा देता है। तो ठंडियों में वैसे भी ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होना चाहिए, उसके लिए भी आप गर्म पानी पीजिए। गर्म पानी पीने से आपकी स्किन अच्छी होती है, आपके बाल अच्छे होते हैं, आपके नेल्स अच्छे होते हैं, सब कुछ अच्छा होता है, क्योंकि अगर आपका पेट अच्छा है तो ये सारी चीज़ें अच्छी होती है, क्योंकि हमारे पेट से ही ये सारी चीज़ें जुड़ी होती है। सो इट इज इम्पॉर्टेंट कि आपका जो पेट है वो अच्छा रहे, और पेट अंदर से अच्छे रखने के लिए इट्स इम्पॉर्टेंट टू हैव अ हॉट वाटर। देन अगर आपको पीरियड्स का इशू है और बहुत पेन होता है, लाइक मुझे तो बहुत होता है, तो उस केस में भी आप हॉट वाटर पी सकते हो, थोड़ा सा ग्रीन टी मिला लीजिए या फिर नॉर्मल हॉट वाटर भी आप पी सकते हो, सिप सिप करके आपको पीना है। छोटे बच्चों को भी आप गर्म पानी दे सकते हो सिप सिप करके। अगर आपको गले में दर्द है तो आप गर्म पानी में सॉल्ट डाल के भी उसका गागल कर सकते हो। सो गर्म पानी पीने के तो बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, तो डेफिनेटली मैं कहूँगी कि सबको गर्म पानी पीना चाहिए, एंड ठंडियों में सुबह शाम तो पीना ही चाहिए, क्योंकि गर्म पानी पीने से आपको नुकसान तो नहीं फायदे होंगे। तो ये था मेरा एक छोटा सा वीडियो जिसमें मैंने इन्फॉर्मेशन दी है कि आप गर्म पानी आपको क्यों पीना चाहिए, और उसके अलावा आप गर्म पानी पिए लेकिन उसको इजी करने के लिए मैंने आपको एक सोल्यूशन भी दे दिया है, वो है इस चीज़ का कि आप इसको यूज़ करके अपना गर्म पानी इजीली स्टोर कर सकते हो। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आया है तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करना, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सो दैट उनको भी बेनिफिट्स पता चले और उनको भी इस फ्लास्क के बारे में आइडिया मिले और वो उसको भी अपनी ज़िंदगी में शामिल कर पाए। तो चलिए गाइस मैं मिलती हूँ आपको बहुत जल्द एक नए और मज़ेदार से वीडियो में, तब तक के लिए ध्यान रखिए अपना, एंड यस बी बोल्ड एंड बी ब्यूटिफुल। Bye-bye.